नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उनको भी ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और NTPC के लिए क्लास है, क्लास को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए, आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है। आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर उड़िया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलुगु। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेलुगु करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर दो के लिए, चारी गोल का पीएच मान होता है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। चारी गोल का पीएच मान बताइए, बी करेक्ट आंसर होगा, 7 से अधिक होता है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 40 बिलियन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय घोल का अगर पूछा जाता है पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, और 7 होता है उदासीन। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाता है कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। कितना होता है? 7 होता है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 से कम होता है अम्लीय गोल का पीएच मान, 7 से अधिक होता है क्षारीय गोल का पीएच मान, और 7 होता है उदासीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बताइएगा कौन सा है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, फिनिक्स बस्ती की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट आ रहा होगा, आप लोग आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी ने। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, फिनिक्स बस्ती के संस्थापक है महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, निम्न में से हाइड्रोकार्बन LPG के मुख्य घटक क्या है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्या पूछा गया है? निम्न में से हाइड्रोकार्बन LPG के मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, रोंटजन ने। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन ने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या अफ्रीकी महाद्वीप में किस देश की है? सबसे अधिक अगर देश पूछे जाए किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है टोटल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया। बी करेक्ट आंसर होगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल कहाँ की राजधानी है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर सिक्किम की? ए करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है, सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जब चंद्रमा, समझिएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, इसके सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है चंद्रमा, तब होता है सूर्य ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, निम्न में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, निम्न में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, और जो सॉरी 42वां संविधान संशोधन, यस बी करेक्ट आंसर होगा। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, 42वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टैडपॉल, या सी करेक्ट आंसर होगा, मेढक का लार्वा टैडपॉल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, निम्न में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित हुए थे, भारत का अगर पूछा जाए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, परम वीर चक्र है, सबसे पहले कौन सम्मानित हुए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सोमनाथ शर्मा करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, इंडोनेशिया की मुद्रा बताइएगा। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, राजधानी कई बार मैंने आपको बताई भी है जकार्ता है, अभी आपको बताना है इंडोनेशिया की करेंसी, सी करेक्ट आंसर होगा, इंडोनेशियाई रुपया, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सुमो कुश्ती की उत्पत्ति किस देश से हुई है, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया? सुमो कुश्ती की उत्पत्ति किस देश से हुई है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान से, यस बी करेक्ट आंसर होगा, जापान से हुई है सुमो कुश्ती की उत्पत्ति, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, ध्वनि मापने की इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डेसिबल, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1972 में, यस बी करेक्ट आंसर होगा, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, गुड आफ्टरनून माई, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, ए करेक्ट आंसर होगा आम, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछ लें आम का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मैंगीफेरा इंडिका आम का बॉटनिकल नेम है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है, तलवारबाजी, बैडमिंटन, आइस हॉकी या फिर शतरंज से, तो सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल भी आम है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल भी आम है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे,
जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जेबी कृपलानी। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, जेबी कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, 9, 7, 5 या फिर 3? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 9 रस हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? जापान, यूएसए, ब्रिटेन या फिर साउथ अफ्रीका? तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका। यस, बी करेक्ट आंसर है, यूएसए। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यूएसए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कोंकणी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोंकणी। डी करेक्ट आंसर होगा, नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं है भाग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कोंकणी। बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, होलमार्क का चिन्ह निम्न में से किन उत्पादों पर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, खाद्य उत्पाद, स्वर्ण आभूषण, पेट्रोलियम, पर्यावरण मित्र उत्पादन। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है होलमार्क का चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, विश्व में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कहां पर होता है? आपको इस देश का नाम बताना है जहां पर विश्व में सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है, ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रशिया या फिर बोत्सवाना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रशिया। सी करेक्ट आंसर होगा, विश्व में सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है रशिया, रूस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर निम्न में से किस झील पर स्थित है? चिल्का लेक, डल लेक, गूलर लेक या फिर लोकटक लेक? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डल लेक में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर पूछा गया है कहां पर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, जम्मू कश्मीर में है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यस, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सैन फ्रांसिस्को को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, ब्रिटेन की करेंसी बताइएगा, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? डॉलर, पौंड, दिनार या फिर फ्रैंक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पौंड। बी करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटेन की करेंसी है पौंड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांगीर। सी करेक्ट आंसर होगा, जहांगीर के दरबार में शासनकाल में चित्रकारी
अपने दौर के उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जहांगीर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? उस पेड़ का नाम बताइएगा जिसकी छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, दालचीनी, लौंग, नीम या फिर पाम। गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दालचीनी। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, दालचीनी की छाल है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, लीलावती किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा, रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित से या फिर औषध से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गणित से संबंधित ग्रंथ है। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लीलावती जो है गणित से संबंधित ग्रंथ है। अगर पूछ लें लीलावती के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा भास्कराचार्य जी ने लीलावती को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद में। या सही करेक्ट आंसर होगा, सामवेद में। आप लोग याद रखिएगा संगीत का वर्णन मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिएगा, बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त है शुरुआत किसने की थी? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। या बी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का, सॉरी ए करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यस, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, लक्ष्य सेन आपको बताना है निम्न में से किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर टेबल टेनिस? तो सभी इसका आंसर करिएगा, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लक्ष्य सेन जो है ये भारत के हैं और बैडमिंटन से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, ये जियोग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसे किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा, पद्मा, जमुना, मेघना या फिर संगपो? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। गुड इवनिंग, तो सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघना के नाम से जानते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का, मेघना करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, पद्मा करेक्ट आंसर नहीं होगा, पद्मा करेक्ट आंसर नहीं होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। संयुक्त जलधारा पूछी गई है, संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की है, संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, उसे जानते हैं मेघना के नाम से। यस, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, प्रसिद्ध कोलोन कहाँ का शहर है, कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। अभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, आपको बताना है कोलोन कहाँ का शहर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी, डी करेक्ट आंसर होगा, जर्मनी में है कोलोन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए,
क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर करिएगा, यस बैंक की स्थापना आपको बताना है किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए यस बैंक की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है तो सी करेक्ट आंसर होगा, राणा कपूर ने। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सभी के आंसर गलत है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राणा कपूर ने की थी यस बैंक की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, फास्पिन क्या है? फास्पिन एक गैस है। फास्पिन क्या है? गैस है। PH3 इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है PH3। इसने अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है? वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अमीटर, टैकोमीटर, पायरोमीटर या फिर एनेमोमीटर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, डी करेक्ट आंसर होगा एनेमोमीटर। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वायु की गति मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? यस आप लोग भी जल्दी से आंसर करिएगा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नवपाषाण काल में। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1772 में। सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बारूद होता है, बारूद क्या होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर तरल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्रण। या सी करेक्ट आंसर होगा, बारूद एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन को समझिएगा, सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सौर पृष्ठ का जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए नृत्य शैली डोलू कुंथा किस राज्य से संबंधित है? क्या पूछा गया? जो डोलू कुंथा नृत्य शैली है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, केरल या फिर कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुख्यतः कर्नाटक से संबंधित है। नृत्य शैली भारत में कहां संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है, डोलू कुंथा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, आपको बताना है पाली कैनन किस धर्म का ग्रंथ है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पाली कैनन किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यस बौद्ध धर्म से संबंधित है पाली कैनन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, आपको बताना है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भारत में? क्या पूछा गया? जो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है भारत में कहां पर है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, कोझीकोड पोर्ट कहां पर है? क्या पूछा गया? कोझीकोड पोर्ट भारत में कहां पर है? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? कोझीकोड पोर्ट आपको बताना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल में। बी करेक्ट आंसर होगा, आंध्रा करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, कोझीकोड पोर्ट जो है केरल में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, गांधी को महात्मा किसने कहा था? गांधी को किसने कहा था महात्मा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, शुक्रेश्वर मंदिर कहां पर है? क्या पूछा गया? शुक्रेश्वर मंदिर कहां पर है? असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? तो सब इसका आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, शुक्रेश्वर मंदिर असम में है, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50 है, उड़ीसा की सबसे लंबी नदी बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए,
क्या पूछा गया है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महानदी। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। बहुत अच्छे, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यस संजय, तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए क्लास है ये, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।